हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्जा भाई व्लॉग्स। आज है 7 जनवरी 2024 और ये 2024 का पहला व्लॉग होने वाला है। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है, लास्ट व्लॉग में हम बताए थे कि हम जाएंगे 31 दिसंबर को कहीं घूमने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी मंडे है, उस दिन तो जा नहीं सकते हैं, बैंक खुला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया मेरे साथ कि 31 दिसंबर संडे को भी बैंक खुल गया, तो संडे को ड्यूटी करना पड़ा बैंक में, तो 31 दिसंबर भी कहीं नहीं जा सके। और 31 दिसंबर को हमको जाना था कोशी बैराज, यहां से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और वहीं पर कोशी बैराज से थोड़ा सा अंदर जाते हैं नेपाल के अंदर, तो वहां पर एक बर्ड सैंक्चुअरी है, तो वहां भी जाने का प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अपना जो लास्ट ब्लॉक था 2023 का नहीं बन पाया, और 1 जनवरी मंडे था, तो पहला व्लॉग था 2024 का, वो भी फर्स्ट डे नहीं आ सका। तो ये आज का व्लॉग है, 2024 का पहला व्लॉग। आज है 7 जनवरी और आज संडे को हम अपने इस अच्छे से कंबल में बैठे हुए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड, लगता है 12:15, हाँ 12:15 बज रहे हैं। रात को जब हम सोए थे तो सोचे थे कि सुबह सवेरे उठेंगे 6-7 बजे, और कपड़ा वपड़ा धोने का प्लान था, क्योंकि हर जब भी संडे हम यहाँ रुकते हैं तो अपना जो एक हफ्ते का कपड़ा होता है वो हम धोते हैं। तो ऐसा हम सोच कर सोए थे कि सुबह में उठेंगे 6-7 बजे, 9-10 बजे तक अपना काम सब हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, और नींद में हम ऐसे मशगूल हो गए कि उठे हैं 11:30 बजे। अब 11:30 बजे उठ करके फिर अभी हम चाय बनाए हैं, चाय पिए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से इससे निकला जाए कंबल से, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है अंदर कंबल के अंदर, और चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद है, तो थोड़ा ठंड का एहसास कम हो रहा है। अब बाहर निकलेंगे तो फिर ज्यादा होने लगेगा, लेकिन जो काम है वो काम भी जरूरी है, कपड़ा धोना, क्योंकि अपने पास 5 घंटा है, और 5 घंटा इसलिए क्योंकि 5 बजे के बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, तो जो कपड़ा धोएंगे वो सूखेगा नहीं, और वैसे भी नहीं सूखने वाला है क्योंकि ठंडा है। और क्या बोल रहे हैं हम, कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडा है बाहर, अच्छा खासा ठंडा है, और अगर हम कपड़ा धोते हैं तो वो नहीं सूखेगा, लेकिन अगर दोपहर में थोड़ी सी धूप निकल जाए तो सूख भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कंबल हमको निकलने नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज एक और है कि खाना भी बनाना है, आज मेड आई नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। अब हम ये सोच रहे हैं कि खाना बनाया जाए कि बाहर जाके खा लिया जाए, बाहर जाके खाना थोड़ा ज्यादा आसान है। अब क्या होता है हमको खुद भी नहीं पता, खाने का क्या सीन है हमको नहीं पता, लेकिन कपड़ा तो धोना है, उसके लिए उठना पड़ेगा। अभी 15 मिनट है, 15 मिनट और रहते हैं कंबल के अंदर, उसके बाद निकलते हैं। तो ये एक छोटा सा छेद दिख रहा होगा बाल्टी में, और हुआ ऐसा कि लास्ट टाइम हम हीटर को बिना ऑफ किए हम उसमें से मग से पानी निकाल रहे थे, और पानी का जो लेवल था वो हीटर के नीचे चला गया और बाल्टी अपनी जल गई। तो इस बार ऐसी गलती नहीं किया है, पहले हीटर निकाला है, क्योंकि गलती जब होती है तब उन्हीं गलतियों से तो सीख मिलती है। तो अब थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट या आधा घंटा भी हो सकता है कपड़े को फुला के छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद से कपड़ा उपड़ा धो करके नहावा करके खाना बनाने का जो सीन है ना, वो बिल्कुल जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद से फिर सोचेंगे कि बनाना है कि बाहर जाके खाना है। पहले ये सब अपना कपड़ा वाला पूरा सिस्टम हो जाए, नहावा के फ्रेश हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और ये वाला जो व्लॉग है ये आज ही हम अपलोड कर देंगे, एडिट करके रात में ही अपलोड कर देंगे, ताकि ज्यादा डिले नहीं हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है मेरे साथ कि हम सोचते हैं कि कल एडिट करके अपलोड करेंगे तो वो कल से परसों हो जाता है, फिर एक दिन और डिले, इसलिए इस व्लॉग को आज रात में एडिट करके अपलोड कर देना है। ऑलराइट, तो नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, कपड़ा वपड़ा भी धो दिया है, छत पर अपना कपड़ा डाल भी दिया है, और
अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो अब डिसीजन लेना है कि घर में खाना बनाएं कि बाहर जाकर के खाना खाएं। तो उसके लिए नीचे जाते हैं कंबल में वापस, सोचते हैं कि क्या करना है, और धूप भी थोड़ी निकल गई है तो कुछ कपड़े अपने सूख जाएंगे और कुछ कपड़े नहीं सूखेंगे, जो नहीं सूखेंगे उनको कल फिर धूप में डालना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं नीचे, सोचते हैं क्या करना है। ऑलराइट, तो देखते देखते 2:30 बज गया है और डिसीजन ये लिया गया है कि खाना बनाएंगे नहीं, बाहर जाकर के खाएंगे। तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जाते हैं बाहर। यहीं पास में कुछ दूरी पर एक होटल है, वहां जाकर के खाएंगे। ऑलराइट, तो ये है वो होटल जहां हम खाना खाने के लिए आए हैं और बिल्कुल सन्नाटा है, कोई है नहीं, दुकानदार भी नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ। तो ये आ गया है जी अपना खाना, चावल और मटन। ऑलराइट, तो अभी 3:30 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं खाना वाना खा के रूम पे, और रास्ते में आते समय दूध भी ले लिया था, दूध अपना खत्म हो गया था, और साथ ही साथ रबड़ी बहुत अच्छा लगता है हमको खाने में, और हमको ऐसा लगता है कि आइसक्रीम से अच्छा है कि रबड़ी खा लिया जाए। तो 2 रबड़ी लाए हैं, एक अभी खाएंगे एक शाम में खाएंगे, और अब रात के खाने का मामला सॉर्ट करना है। उम्मीद है कि रात में आ जाएंगी खाना बनाने के लिए मेड, और अगर नहीं आएंगी तो फिर अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम बाहर खा चुके हैं, बार बार बाहर खाना अच्छा नहीं है, बहुत महंगा पड़ गया था एक टाइम 150 रुपए का चावल और मटन था। तो रात का यही अपने से कुछ बना लेंगे। वैसे कल हम फूलगोभी लेकर के आए थे तो उसका कोई यूज हुआ नहीं, तो फूलगोभी बना लेंगे, चावल दाल बना लेंगे, अगर मेड नहीं आई तो देखते हैं क्या होता है, हमको भी नहीं पता, और जब हमको नहीं पता तो हम आप लोगों को कैसे बताएं। तो इसलिए अब थोड़ा सा रबड़ी खा करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 2-3-4 घंटे के बाद। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और ये है अपनी शाम की चाय, गर्म गर्म चाय, और अपना रात का जो खाने का सीन था वो सॉर्ट हो गया है। मेड आ गई हैं, रोटी बना रही है, उनकी थोड़ी तबीयत आज खराब थी तो बोला कि बस सिर्फ रोटी बना दीजिए, रात में जब खाना खाने का टाइम होगा तो हम अपना ऑमलेट तल लेंगे और ऑमलेट और रोटी खा लेंगे, कल सुबह में जब आएंगे तो फिर सब्जी वब्जी कुछ बनवाई जाएगी। तो यही था अपना आज का पूरा दिन, कट गया, रात हो गई, कुछ देर में सोने का वक्त हो जाएगा, खाने का वक्त हो जाएगा, फिर कल से वही काम शुरू, मंडे टू फ्राइडे, फिर सेकंड सैटरडे में घर जाएंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले जितने भी अपने सब्सक्राइबर है सबको हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो 2024 है ये आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए, मेरी भी जिंदगी में। तो खुदा हाफिज एंड गुड नाइट।